बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूँ एक इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, और आज की वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, खासकर वो लोग जो बिल्कुल भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते मेरे जैसे, तो उनके लिए, तो उनके घर वाले उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो इतने डीट हैं कि वो फिर भी नहीं पढ़ते। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है कि इसके यूज़ से आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आप घर वालों को आपने घर वालों को कहा है कि मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ, मेरा सुबह पेपर है, और वो आपको कहें कि ठीक है बेटा आप जाके पढ़ो, लेकिन वो चोरी छुपे आपको देखें कि यार वाकई मेरा बेटा पढ़ रहा है, और आपको पता चल जाए, अचानक वो कमरे में आ जाए, आपके फादर आ जाते हैं, आपकी मदर आ जाती हैं। तो मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लाया हूँ जिसको देख के आप मोबाइल की स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, जिससे देख के वो कहेंगे कि वाकई मेरा बेटा मोबाइल पे पढ़ रहा है, नोट्स मोबाइल पे याद कर रहा है। क्योंकि आजकल का जो दौर है इसमें ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल पे नोट्स होते हैं, तो हमें नोट्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम दोस्तों के साथ मोबाइल में कंबाइन स्टडी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हमें नोट्स आ रहे हैं, मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं उसे व्हाट्सएप पे नोट्स मंगवा रहा हूँ, ऐसे वैसे करके। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहें और बिल्कुल ये वीडियो स्किप कर दें, बिल्कुल ना देखें। तो जो बच्चे वैसे हैं मेरे जैसे, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें जो बिल्कुल पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लगती। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने सिंपली क्या करना है। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आपने उस डिस्क्रिप्शन पर लिंक ले लेना है। तो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, अगर इसके थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएं तो ये देखें, ये लिखा हुआ है ऐप लिंक, और ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है लिंक, यानी कि वो एप्लीकेशन का लिंक है जिस पे आपने क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, तो लेकिन अगर आप लिंक के जरिए जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है फेक स्क्रीन, यानी कि झूठी स्क्रीन, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ये कहेंगे, घर वाले कहेंगे ये नोट्स पर है, लेकिन आप कोई मूवीज़ देख रहे हो, लेकिन जैसे वो घर वाले आएंगे तो आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, वो देखें कैसे। तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है यहाँ से, तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वो पूछेगा एग्री नेक्स्ट, तो आपने एग्री नेक्स्ट करते जाना है। तो मैंने यहाँ से, तो इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैंने नॉर्मल मोड जो पहले वाला, इस पर क्लिक करना है, आप ये करें ये अच्छा है। तो मैंने इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद, तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्टार्ट और गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ लोगों के अगर ये ऑप्शन आए तो इसके पहले एक थोड़ी सी वीडियो आएगी 30 सेकंड की, वो मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपकी स्क्रीन कैसी हो गई है। तो दोस्तों, स्टार्ट से पहले आपने गैलरी में चले जाना है, यहाँ से भी आप इसको आपने गैलरी में जाकर आपने एल्बम पर सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप एल्बम पर सिलेक्ट करेंगे तो आपने वो वाली फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जो आपके नोट्स हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक फ़ोटो है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो ये कुछ नोट्स की तरह का है, सिर्फ आपको वीडियो में समझाने के लिए। तो अभी मैं इसके बाद मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये देखें मेरे सामने ये एक बटन शो हो गया। तो जैसे ही मैं इस बटन को पीछे करूंगा तो मेरे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। तो देखते हैं, अभी मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, मैंने यूट्यूब खोली है, तो यूट्यूब पर मैंने ये जो एप्लीकेशन है, जो मेरी ये मेरा पेज खुला है, तो मैं इसको अभी ऑन करता हूँ। ये देखें, मैं अभी ये वीडियो देख रहा हूँ, तो अचानक कोई आ गया। तो अभी आपने क्या करना है, आप फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो कोई आ गया, तो आपने ये देखें नीचे जो बटन आ रहा है, आपने इस पर ऐसे क्लिक करना है, ये देखें नोट्स आ गया, फिर आपने उसको पीछे कर देना है, तो फिर आपकी वो मूवीज़ आ गई। अचानक कोई आ गया तो आपने जल्दी से ऐसे करना है, तो देखने वाला कहेगा यार बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनती और पढ़ रहा है, यानी कि आपको शाबाश दे के जाएगा, यार इस बच्चा ने बहुत मेहनत करनी है, लेकिन उसको क्या पता कि ये आपको, अब क्या कहूँ मैं, छोड़ें। तो इसे आप बैक करेंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन शुरू आ जाएगी, फिर आप ऐसे आगे करेंगे तो ये आ जाएगी फेक स्क्रीन। तो दोस्तों, इसी तरह इसमें और बहुत सी, आप जो ये बटन है इसको छोटा बड़ा भी साइज कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि इसका साइज आप छोटा बड़ा जैसे भी करें, इसकी एप्लीकेशन में जाके आप इसका साइज जो है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस बटन को स्क्रीन पर ख़त्म करना है, जो देखिए इसके ऊपर ये क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने सिंपली इसको क्रॉस कर देना है, तो ये ख़त्म हो गया। तो फिर आपने जब उठाना है तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको
नेस्ट कर लेना है। नेस्ट के बाद ये ऑटोमेटिक ही आपका नोट्स खुला रहेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार हम रोज एक ही नोट्स खोलेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं, तो ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है रिमूव इमेज, तो आपने यहाँ से इसको रिमूव कर लेनी है। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है गैलरी का, आपने यहाँ से कोई और पिक्स उठा लेनी है फिर वहाँ की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो मैंने शुरू में कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँगा कल अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।